आप ही दुख पाता है। ये मुनीसा कृष्णा रूपी समुद्र में चित्र रूपी बिगड़ा पड़ा है और राग द्वेष रूपी मच्छों से कभी ऊर्ध्व को जाता है और कभी नीचे आता है, स्थिर कदाचित नहीं रहता। ये मुनीसा काम रूपी वृक्ष में कृष्णा रूपी लता और विषय रूपी फूल है। जब जीव रूपी भमरा उसके ऊपर बैठता है तब विषय रूपी बेल से मृतक हो जाता है। ये मुनीसा कृष्णा रूपी एक बड़ी नदी है, उसमें राग द्वेषादि के बड़े बड़े मच्छ रहते हैं। उसी नदी में पड़े हुए जीव दुख पाते हैं। जिस संसार की इच्छा करता है वो नाश रूप है। ये मुनीसर तरंगों के समूह के रंग रूपी समुद्र को तर जाने वाले को भी मैं सूर्य नहीं मानता, परंतु जो इंद्र रूपी समुद्र में मनोवृत्ति रूपी तरंग उठते हैं उस समुद्र के तर जाने वाले को मैं सूर्य मानता हूँ। ऐसी क्रिया अज्ञानी जीव आरम्भ करते हैं कि जिसके परिणाम में दुख हो, जिसके परिणाम में सुख है उसका आरंभ भी नहीं करते और काम के अर्थ की धारणा करते हैं। ऐसे आरंभ से शरीर की शांति के पीछे भी सुख की प्राप्ति नहीं होती। वे कामना करके सदा जलते रहते हैं। जो अनात्म पदार्थ की तृष्णा करते हैं उनको शांति कैसे प्राप्त हो। ये मुनीसर कृष्णा रूपी नदी में बड़ा प्रभाव है, उसके किनारे पर बैराग और संतोष दो वृक्ष खड़े हैं। सो कृष्णा नदी के प्रवाह से दोनों का नाश होता है। ये मुनीसर कृष्णा बड़ी चंचल है, किसी को स्थिर नहीं होने देती। मोह रूपी एक वृक्ष है, उसके चारों ओर स्त्री रूपी बेल है, सो विषय से पूर्ण है। उस पर चित्र रूपी भमरा बैठता है तब स्पर्श मात्र से नाश होता है। जैसे मोर का पुच्छ हिलता है वैसे ही अज्ञानी का चित्त चंचल रहता है, इसलिए वह मनुष्य पशु के समान है। जैसे पशु दिन को जंगल में आहार करते हैं और चलते फिरते हैं और रात्रि को घर में आ खूटे से बांधे जाते हैं, वैसे मूर्ख मनुष्य भी दिन को घर छोड़ के व्यवहार में फिरते हैं और रात्रि को अपने घर में स्थिर होते हैं। पर इससे परमार्थ की कुछ सिद्धि नहीं होती, अपना जीवन वृथा गंवाते हैं। बाल अवस्था में तो शून्य रहता है और युवावस्था में काम से उन्मत्त होता है। उस काम से चित्रूपी उन्मत्त हस्ती स्त्री रूपी कंदरा में जा स्थित होता है, पर वह भी क्षणभंगुर है। फिर वृद्धावस्था आती है, उससे शरीर कृश हो जाता है। हरिओम शांति शांति शांति। शिवराम कृष्ण भगवान की जय।
श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। श्री गौरी शंकर भगवान की जय। सतगुरु टेव राम महाराज की जय। सतगुरु सरिणानंद सुखदान की जय। सतगुरु शांति प्रकाश महाराज की जय। सतगुरु हरिदास राम महाराज की जय। श्री प्रेम प्रकाश मंडल की जय। गीता की जय। श्री अमरापुर दरबार की जय। शोकमानं गत्वा विदुषं ज्ञानैकसूर्यं जगदेकेन्द्रं विद्यापुलीनं विवेकानं श्रीतुरामं शरणं प्रपद्ये। श्रीतुरामं शरणं प्रपद्ये। सर्वानन्द प्रदातारं सर्वानंद विकासिगम सर्वानंद वितारम च श्री सर्वानंद ब्रह्म श्री सर्वानंद ब्रह्म। अखंड मंडलाकार व्याप्तं ये चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तत्स्मै श्रीगुरवे नमः। तत्स्मै श्रीगुरवे नमः। मनुष्यार्दमतिज्ञप्रदीनीकरोमेदमेद यथा कञ्चिद्रिवेणी करुणेष्टमहाचौद्यादीदिने हरवापुकारी पुकारी। Bye.
मेरे बदन गोपाल बदन गोपाल प्यारो मदन गोपाल Thank you.
जी करियो जगन्नाथ के हाथ मुझे परो शरणति भरी शरण तुम्हारी शरणति भरी शरण तुम्हारी प्रभु ताकत नहीं है तुम में नहीं बाल बैठी मेरे ताकत नहीं है तुम में नहीं बाल बैठी मन में ताकत नहीं है तुम में नहीं बाल बैठी बचपन गया खिलन में विशरस बचपन गया खिलन में यौवन विशरसन में प्रसिद्ध कर शुभ कर्म करो मेरी गुजारी मर गुजारी सुन लो प्रभु वंदनीय प्रातः स्मरणीय आचार्य सतगुरु स्वामी टेऊराम जी महाराज एवं उनकी चरण शरण में बैठी हुई प्यारी भागो वाली सात संगत प्रेम से कहिए श्री राम सतनाम साखी सतनाम साखी। आचार्य श्री की अनुभव की वाणी, उस अनुभव की वाणी के माध्यम से आचार्य श्री हमें प्रार्थना करना सिखा रहे हैं, यह समझा रहे कि सुन ली प्रभु प्यारी, यह है विनय हमारी। हमें प्रभु परमात्मा से यह प्रार्थना करनी है कि हे प्रभु परमात्मा सुन ली प्रभु प्यारी, यह है विनय हमारी। दर नाथ हाथ मुझ पर, मैं हूं शरण तुम्हारी। हम प्रभु परमात्मा संत महापुरुषों की शरण में क्यों जाते हैं? गुरु दरबार में आते हैं, उनके सामने नतमस्तक होते हैं, उनसे हमारी हम अपनी दिल की हर बात कह देते हैं। जो बात हम दुनिया से अपने सगे संबंधियों से भी करने में हिचकिचाते हैं, पर वह सारी बातें हम प्रभु परमात्मा स्वामी टेऊराम जी महाराज के समक्ष कर देते हैं। क्यों? क्योंकि हमारा उनमें पूर्ण विश्वास है। हमें पता है कि और कोई साथ दे ना दे, पर प्रभु परमात्मा गुरु हमेशा साथ देते हैं।
इसलिए कहा गया है, संत महापुरुष अपनी सत्संग में अपनी अमृतमय वाणी में बतलाते हैं परमात्मा कि भाई गुरु हमें अवश्य करना चाहिए और गुरु करने के बाद उसमें विश्वास भी होना चाहिए। ऐसे नहीं कि हमने गुरु कर दिया पर उसमें विश्वास ही नहीं हो, उनके द्वारा दिया गया जो नाम है जो शिक्षा है उन पे अगर हम चले ही नहीं तो वह गुरु करना किस काम आया। श्री प्रेम से कहेंगे श्री राम, फिर भी कहेंगे सतनाम साखी। बन सिंधु बहा जाता कोई नहीं बचाता, कर ले तो पार सागर पकड़े बुझा बिहारी। इस संसार रूपी बन सिंधु में हर कोई बह जा रहा है। कहते हैं कि भाई आग जल रही है तो क्या हमने इस आग में हाथ डाल रखा है? आग जल रही हो तुम आग में हाथ डालते ना तो उससे आग हाथ क्या जल जाता है, जलता है कि नहीं? तो आप सबने किसी में आग में हाथ डाला है? अभी आग में हाथ डाल रखा है नहीं डाल रखा? डाल रखा है। संसार की विषय वास्तव रूपी आग में हम सब फंसे हुए हैं, उसके कारण हम सारा दिन रात जल रहे हैं। उससे अगर हम निकलना चाहते हैं तो हमें प्रभु परमात्मा की शरण पकड़नी होगी, उन गुरुओं में विश्वास रखना होता है, उन संतों महापुरुषों की कभी निंदा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि एक नई माध्यम है जो हमें इस संसार से पार उतार सकते हैं। आचार्य सदगुरु स्वामी टेवराम जी महाराज की जीवनी में एक प्रसंग आता है कि भाई जिस प्रकार यहां पर सत्संग चल रहा है उसी प्रकार वैकुंठ में भी सत्संग चलता है। तो वैकुंठ में सत्संग हो रहा होता है तो नारद जी भी सत्संग में आते हैं। सभी प्रेम से कहेंगे श्री राम सतनाम साखी। तो जैसे ही सत्संग संपूर्ण होता है नारद जी वापस अपने कार्य पर जाते हैं तो भगवान विष्णु अपने पार्षदों से कहते हैं कि भाई जहां पर नारद जी विराजमान हुए थे वहां की मिट्टी हटा के फेंक दो। सत्संग नित्य नियम से होता था, नारद जी नित्य नियम से आते थे और पार्षद भी क्या करते थे जहां नारद जी बैठते थे वहां की मिट्टी हटा के फेंक देते थे, बदल देते थे वहां की मिट्टी। क्यों? क्योंकि नारद जी ने गुरु नहीं किया था। तो इसीलिए एक बार किसी कार्यवश नारद जी वहां से सत्संग में से चले तो गए पर उन्हें याद आया कि प्रभु परमात्मा से कुछ काम है तो वापिस वे सत्संग पंडाल की तरफ जाने लगे और देखा कि जहां मैं बैठता हूं वहां की मिट्टी हटा रही जा रही है। तो उन्होंने पार्षद से कहा कि भाई ऐसा क्यों? तो कहा कि भाई आपने गुरु नहीं किया है इसलिए भगवान श्री हरि की हमें आज्ञा है कि नारद जी जहां बैठते हो वहां की मिट्टी हटा देनी है। तो नारद जी श्री हरि के पास जाते हैं, उनसे ये पूछते हैं कि भगवान ऐसा क्यों? मैंने गुरु नहीं किया था तो आप मुझे बतलाते तो मैं गुरु करता था, अब आप ही मुझे बतलाइए कि मैं किसे गुरु करूं। तो भगवान श्री हरि कहने लगे कि आप धरती लोक पर जाइए, मृत्यु लोक पर जाइए, वहां पर आपको जो व्यक्ति पहला मिल जाए, पहला जो भी व्यक्ति मिल जाए उसे आप गुरु कर लेना। नारद जी ने कहा ठीक है। नारद जी गए धरती लोक पर, मृत्यु लोक पर कोई मिल ही नहीं रहा था। फिर जैसे एक शिकारी मिला तो उसकी चरणों में जाकर गिर गए और सारा वृतांत कह सुनाया कि भाई अब तो मैं आपको भी गुरु करूंगा। प्रेम से कहेंगे श्री राम, फिर भी कहेंगे श्री राम सतनाम साखी। तो वे शिकारी कहने लगा कि भाई मैं तो शिकार करता हूं, इतना निम्न जाति का हूं, आप किसे मुझे गुरु करेंगे? तो कहा कि नहीं, मुझे श्री हरि ने आज्ञा दी है कि मृत्यु लोक पर जो भी पहला व्यक्ति मिले उसे ही मुझे गुरु करना है और आप मुझे पहले मिले तो इसलिए मैंने आपको ही गुरु किया है। इतना कहकर नारद जी वहां से चल दिए। तो मन में विचार आया कि भाई गुरु तो किया पर शिक्षा ही नहीं ली, वह नामदान ही नहीं लिया, गुरु तो कर लिया। तो वापिस नारद जी वहां शिकारी के पास आए और शिकारी से कहने लगे कि भाई मुझे कोई शिक्षा दो, कोई नाम दान दो। तो शिकारी कहने लगा कि भाई मैं खुद मुंड ज्ञानी लगा हुआ हूं,
मैं कुछ इस संसार सागर में फंसा हूं, मैं आपको क्या शिक्षा दे सकता हूं? और एक शिक्षा मैं दे सकता हूं कि जब मैं शिकार करता हूं तो मैं बिल्कुल शांति रखता हूं, मौन रखता हूं, चुप रहता हूं, जिससे कि मेरा शिकार अच्छे से फंस जाए, भाग नहीं जाए। तो आप भी यही करो, चुप चुप धारण कर लो। स्वामी सर्वानंद जी महाराज का वचन रहता है ना कि भाई चुप जैसी मीठी वस्तु और कोई नहीं है। तो नारद जी कहने लगे ठीक है। नारद जी फिर वैकुंठ की वहां पर जा रहे थे, मन में विचार आया कि भाई मैं तो अभिमान आ गया कि भाई मैं तो ब्रह्मा जी का मानस पुत्र हूं, नारद हूं, तीनों लोकों में कभी भी कहीं भी भ्रमण कर सकता हूं, कहीं भी जा सकता हूं किसी भी समय पर, और सारा दिन भगवान का भजन करता हूं, और मैंने गुरु किया तो किसको, एक शिकारी को? ऐसा उनके मन में विचार आया। यहां उनके मन में विचार आया और वहां भगवान श्री हरि को यह पता चल गया कि भाई इसने तो संत की निंदा, गुरु की, अपने गुरु की ही निंदा करना शुरू कर दिया। गुरु तो कोई भी हो, कैसा भी हो, हमारे लिए वे परम पूजनीय होते हैं। हमें उनके जीवन में नहीं जागना, हमें उनके जीवन की शिक्षा उठानी है, उनके जीवन चरित्र पढ़ना है, उनके किए शुभ कर्मों को देखना है, उन पर चलना है, उनके दिए हुए उपदेश पर चलना है, ना कि हम उनके जीवन में जाके देखें कि भाई गुरु ये कर रहा है तो हम भी ये करें। गुरु तो भाई परम पवित्र पहुंचे हुए होते हैं, हम तो ना उनकी पार पा सकते हैं। तो जैसे ही नारद जी श्री हरि के पास पहुंचे तो श्री हरि ने कहा कि भाई तुमने मन ही मन में अपने गुरु का निरादर किया है, इसलिए अब तुम्हें 84 लाख योनियों को भोगना पड़ेगा। रामायण में चपाई आती है, हरि हर वेंदा सुनई जो काना, हरि हर वेंदा सुनई जो काना, हे पाप गई गात सबारा, हे पाप गई गात सबारा, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय रावण। प्रसंग आता है कि जब भी अंगद रावण को समझा रहा होता है कि भाई सीता माता को पुनः भगवान श्री राम को दे दो, तब रावण भगवान श्री राम के लिए बहुत अनुचित कह रहा होता है। तब अंगद ये बात कहता है कि भाई हरि हर निंदा सुनई जो काना, हो ये पाप गौ घात समाना। जिस व्यक्ति ने ना भगवान की संत की निंदा भी सुन ली, उसे गौ हत्या का पाप लगता है। कितने कि भाई संत राम में वेद नहीं संत राम स्वरूप, कहीं टेऊ रट राम को भय राम के रूप। वह संत और हरि में अंतर नहीं जानना चाहिए, इसलिए जो भी व्यक्ति संत की प्रभु परमात्मा की निंदा सुनता है, सुनने मात्र से ही उसे गौ हत्या का पाप लगता है। सोचो फिर तो नारद ने तो संत की अपने गुरु की निंदा कर ही ली थी, इसलिए प्रभु परमात्मा श्री हरि ने कहा कि भाई तुमने अपने गुरु की निंदा करी है, इसलिए तुम्हें 84 लाख योजना भोगनी पड़ेगी। तो नारद कहने लगे कि भगवान मैंने तो जाने अनजाने में आज ही गुरु किया था और मुझे गुरु की महिमा पता ही नहीं। गुरु की महिमा इतनी होती है कि शेष शारदा शेषनाग जो पृथ्वी को उठा के पृथ्वी का भार संभाले बैठे हुए, माँ शारदा जो सरस्वती विद्या की देवी है, वह भी गुरु की महिमा नहीं गा सकती, इतनी गुरु की महिमा होती है। तो भगवान श्री हरि कहने लगे कि अगर आपको इस 84 लाख योनियों से छूटना है तो इसका मेरे पास कोई इलाज नहीं है, अब जाओ आप अपने गुरु की शरण में। तो नारद उसी समय तुरंत अपने गुरु के वहां पर आता है और अपने गुरु को सारा वृतांत कह सुनाता है
कि भगवान इस प्रकार मैंने आपकी निंदा की थी और प्रभु परमात्मा ने मुझे यह श्राप दिया है, यह सजा दी है कि मुझे 84 लाख योनियां दी भोगनी पड़ेगी। तो गुरु कहते हैं कोई बात नहीं, गुरु ने उसे युक्ति दे दी और फिर नारद भगवान श्री हरि के पास गया। भगवान श्री हरि से कहने लगा कि हे प्रभु परमात्मा, प्रेम से कहिए श्री राम सतनाम साखी, फिर भी कहिए सतनाम साखी कि जो 84 लाख योनियां है वह किसकी बनी हुई है। तो प्रभु परमात्मा कहने लगे कि हाँ मेरी बनी हुई है, तो एक बार मुझे वह 84 लाख योनियों का मानचित्र बना के दिखाइए, मतलब वह ड्रॉ करके दिखाइए, बना के दिखाइए। तो भगवान ने भी उस चौक से वह मानचित्र बनाया, उसका बना के दिखाई कि भाई ये 84 लाख योनियां है। तो नारद श्री क्या करने लगे, उस पर उलट पुलट करने लगे, बोला मुझे संत ने, मेरे गुरु ने यह युक्ति दी है कि वो 84 लाख योनियां भी आपकी बनी हुई है, उसमें भी मुझे भोगना है, उसमें भी मुझे उलट पुलट करनी है, और ये जो 84 लाख योनियां ये भी आपकी बनी हुई है तो मेरे अभी से ही भोग ली। तो इसलिए इस कथा के माध्यम से भी आचार्य श्री हमें यही समझाते हैं कि भाई संतों के पास, गुरुओं के पास युक्ति होती है, उन युक्ति से ही हम अपने भवसागर से पार कर सकते हैं। तो आइए उन गुरु महाराज के चरणों में यही प्रार्थना करें। भूपति तुम उधार गुण नहीं भूपति तुम श्री अमरनाथ दरबार में आकर आचार्य सत्य स्वामी टेवराम जी महाराज के समक्ष खड़े होकर उनसे यही प्रार्थना करेंगे कि दर हाथ नाथ मुझ पर, मैं हूं शरण तुम्हारी। एक बार नहीं हमें उनकी शरण मिल गई तो याद रखना संसार सागर से हमारा बेड़ा पार अवश्य होगा। बोल बोले भगवान की जय। Bye.
के सतनाम गर्भ सदा तरु के प्रचार की धर्म सनातन के प्रचार की जय गोरती देश कवि पालन दे उपदेश हम तब रूप लखाया सब को आत्म दर्श दिखाया सब को हरिया तप गुरु जय गुरती अचल सदा तेरे तेरे सिद्धिया सब राजे सभी में दर्शन राजे रूप बड़े और से तरलो चर दरत बड़े सुंदर लोचन रूखत बड़े वचन के पूरे पूरे योगी द्रवती तेरा तेरा तब तब साध सुजान तब साध सुजान रह देश जब तुम जन्म देश जहाँ तुम जन्म्या तब शुभ तेरी आशक जाए
पाय पलव तीर सतगुरु देव भगवान की, सतगुरु स्वामी टेमराम महाराज की, सतगुरु स्वामी सर्वानंद महाराज की, सतगुरु स्वामी शांति प्रकाश महाराज की, सतगुरु स्वामी हरदास राम महाराज की, श्री गुरुदेव भगवान की, श्री प्रेम प्रकाश ग्रंथ की जय। सतगुरु मुझको दान दे प्रेम भक्ति विश्वास, कहे ट्यों नित सुमति दे संतन माही निवास। राग भैरवी भजन क्यों करते मेरा मेरा, हे जग में ना कुछ तेरा टेक। मात गर्भ से जब तुम निकले, साथ नहीं कुछ लाए, तन छूटे कुछ साथ चले ना, खाली करत बखेरा। नदी नाव ज्यो लोग कुटुंब का, पाँव पलक है मेला। प्रात भये सब उड़ जाए, जो पंछी बिरछ बसेरा। रावण कंस हरणा कस दारा, छोड़ा धन परिवारा। हाथ झाड़ गए सिकंदर कारुन, काल आए जब गिरा। मैं मेरा जिन जग में किया, पाया तिह दुख भारी। कहतियों में मेरा तज तुम साहब सुमर सवेरा, कहतियों में मेरा तज तुम साहब सुमर सवेरा। बोलो सतगुरु देव भगवान की। हमरा पुर से आए कर जप कर गुरु का नाम, अनुभव की वाणी रची मेरे सतगुरु टियों राम। हमरा पुर वाणी जिसे नाम दिया गुरु दे, पढ़ कर सुन कर पाई वसंत आत्म दे। पढ़ कर सुन कर पाई वसंत आत्म देव। हरि ओम श्री गुरु परमात्मने नमः। श्री तत्नाम साक्षिणे नमः। श्री प्रेम प्रकाश ग्रंथ मंगलाचरण दोहा। सतचित आनंद ब्रह्म एक निर्गुण निराकार, कही ट्यों जोत है सगुण रूप साकार। ताको मैं वंदन करूं जान सर्व का रूप, कही ट्यों सेवत जिसे सुर नर मुनि जन भूप। सवैया आदिन अंत न जाए बखानत, पूरण आत्म सर्व निवासी। पांच पचीसन की गम नात, कोश अतीत स्वयं प्रकाशी।
वाक बुद्धि मन पार न पावत अगम अगोचर है चिद राशि त्यों कहे तिर लोक विषय नित ब्रह्म व्यापक है अविनाशी आत्म एक अनादि अनंत जो सर्वव्यापक सुख निदाना वाक बुद्धि मन इंद्रिय गोचर चेतन रूप जो है निर्वाणा बंधन मोक्षन रागन रोशन भूतन कौशन वेद बखाना टीम कहे गुर संतन के संग सोहम आत्म देव पछाना ध्यान किए नहीं ध्यान में आवत सो गुरु आत्म ध्यान सुदीना जो सुख पा सुख और न चाहत ता सुख में गुर लीन सुकीना देखन योग्य दिखाय दिया गुरु आत्म दर्शन में मन भीना त्यों कहे कर होतिया वंदन दे जिय ज्ञान सुबंदन छीना। ओम सतनाम साक्षी श्री अमरापुर वाणी राव भैरव जने गुरुदयाल प्रतिपाल प्रभु पार तारो प्रभु पार तारो हरिदास मैं तुम्हारो टेक तू अडोल तू अबोल तू अमोल सारो तू अकाल सर्व काल कठिन काल टारो सर्वसार तू सतार अगम तू अपारो निरंकार निर्विकार नाम देव बारो जीव पिंड भिर मंड सर्व तव पसारो परम चंड हे अखंड नाथ मोय सुधारो विश्व पाल तुंग पाल मैं हूं बाल थारो कही तीऊ ताप तीन पाप सब निवारो राग भैरव जन दो भक्ति ज्ञान दान दे दीन के दयाल जी दीन के दयाल मोहे जान अबुद बाल जी टेक वाम राम सुतन मंगू नहीं रतन लाल जी अखंड अभय दान मंगू हरो कठिन काल जी हृदय न मंगू सिद्ध न मंगू नहीं मंगू माल जी साध संगत सेव मंगू तोड़ जगत जाल जी राज ताज नाही मंगू विषय सुख विशाल जी धर्म दया धीर मंगू करो रुजाल जी स्वर्ग सुख नाही मंगू मंगू पद अकाल जी कहत टेऊ नजर धरे नाथ कर निहाल जी कहत टेऊ नजर धरे नाथ कर निहाल जी। बोलो सतगुरु देव भगवान की श्री प्रेम प्रकाश ग्रंथ की जय। बोल गुरुदेव भगवान की जय। सोलह शिक्षाएं सुनो सुखदायक है जो सोलह शिक्षाएं सुनो सुखदायक है जो कहते हूँ संकट कटे देत परम गति सोए कहते हूँ संकट कटे देत परम गति सोए आदि फल विचार के तुम कर पीछे सब काम जी ये वचन मरवाई रे सुख आराम की